बकरा पाल के कोई 2 साल में करोड़पति बन सकते? अगर मैं सवाल करूं तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली नो। ऐसा हो ही नहीं सकते। अगर बकरा पाल के 2 साल में कोई करोड़पति बन सकता था तो आदमी इतना पढ़ा लिखा क्यों करते? दूसरा काम, इतना मेहनत का काम क्यों करने जाते? हर आदमी बकरा ही पाल लेते। आपका आंसर कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन फ्रेंड, ये बिल्कुल सच है। अगर मेरा वीडियो आप आखिरी तक देखोगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा जो बकरा पाल के 2 साल में आदमी करोड़पति बन चुका है। ऐसे अभी का टाइम पे बहुत आदमी बन रहा है। जो दूसरा आदमी कर सकते ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। और जो 2 साल में करोड़पति बना है बकरा पाल के, उसका स्टोरी आपका सामने शेयर करने वाला हूं अभी। फ्रेंड, मेरा घर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर एक जायगा था, जिसका ऊपर से मैं लगभग 2 महीने में 3 महीने में एक बार जाता था वहां पे। तो ऐसे ही लगभग 2-3 साल तक मैं उधर ही जाता रहा, आते रहे। थोड़ा दूर है, गैप है, 40 से 50 किलोमीटर होगा हमारे इधर से, मेरा घर से। तो पहले मैं ध्यान नहीं देता था। तो मैं जब वो रोड से जाता था तो वो कोई मेन रोड नहीं था, सब रोड था। तो वहां पे ज्यादातर तो क्या करते, वो जो बकरा था फ्रेंड, रोड का साइड में बांध के रखता था। तो जाने का टाइम पे थोड़ा रोड ब्लॉक हो जाता था, तो थोड़ा दिक्कत होता था, सामने आ जाता बकरा रोड का ऊपर बांधा हुआ है। तो इसलिए वो दिल में आ गया, जो याद रह गया, अगर बोलो तो याद रह गया, जे वो क्यों याद है मेरे को। तो ऐसे थोड़े दिन बाद में जब उधर से फिर गुजरा, देखा रोड का ऊपर वो जो बकरा है नहीं बांधता, वो एक साइड में जाके थोड़ा सा बड़ा मकान बना लिया, उसका अंदर रखता था। तो फ्रेंड, उधर जाके देखा एक थोड़ा बड़ा सा एक साइड में बिल्डिंग बना लिया, दूसरा साइड में थोड़ा और जैसे लगभग 2-1 एकर जमीन के ऊपर बकरा चल रहा है। बकरा का खाने का जो चारा होता है फ्रेंड, वो बनाना उगाना चालू हो गया। ऐसे में ध्यान नहीं दे, ऐसे तो हर कुछ हमारा साइड में होते रहते, कौन किसका खुद का बारे में ध्यान दे रहा है, अच्छा है। तो मैं भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो लगभग मैं 2 साल का पहले का बात करते, और अभी का जो टाइम है ये लगभग 10-15 दिन पहले का बात है। मैं फिर उधर गया था, जाके देखा उधर फ्रेंड बड़ा सा बिल्डिंग उठा लिया, 3 माला का बड़ा सा बिल्डिंग उठा लिया, और एक साइड में जो वो बकरा का जो खामार बोलते वो खामार बना लिया। तो उसके साइड में एक टी स्टॉल था, मैं उधर में चला चाय वाय पीने के लिए बैठा। बैठने के बाद फ्रेंड उधर डॉक्टर लोग आया था, जो वो जो बकरा है खामार में, वो बकरा का चेकअप करने के लिए आया था। और वो बकरा का जो मालिक था फ्रेंड, वो भी और साथ में था उधर से। फ्रेंड ऐसे तो मेरे को पहले से पता था, फिर भी सुनने में आया ये जो बकरा है एक ऐसे के आजू बाजू लोग तो बोलते रहते। फिर जाके मैं उसके पास सोना, फिर जाके वो जो बकरा का मालिक था फ्रेंड, उसका साथ में मिला। तो भाई ऐसे कैसे कर सकते, मैं तो इधर से आता जाता था सिर्फ 2 साल में, तो इसमें कुछ भी नहीं था। तो ऐसे 2 साल में आप कैसे कर दिया है? तो वो जो लोग है फ्रेंड, वो बहुत अच्छा है, वो डिटेल्स में मेरे को बताया। वो ऐसे बताया था, देखो भैया, मैं जब बकरा का पालना स्टार्ट किया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। हालांकि उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे बोल रहे थे, भैया जैसे मैं बकरा पालना स्टार्ट किया था, मैं बहुत ही पोअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ रहने के लिए एक मकान था, वो भी दूर में गाँव में था। और मैं जब जिधर में स्टार्ट किया, क्योंकि घर का अंदर तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, और ऐसा आपका फैमिली चलाने का कोई भी या भी नहीं था। अगर फैमिली चलाना है तो मजदूरी करना है, वो जो जितना भी पैसा मिले 100 रुपया 150 रुपया, उससे मेरा घर चलता था। तो ऐसे पहले जो चालू किया था, दूसरा का बकरा पालना, पाल के ऐसा सिस्टम में जो जब बकरा का बच्चा होगा तो बकरा वो लेके जाएगा, और 2 बच्चा अगर होगा तो 1 बच्चा देके जाएगा। ऐसा हिसाब से पालता था, और थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके। पहले तो उसको रखने का जगह भी नहीं था, मेरे को बोल रहे थे जे ऐसे तो अब देखा होगा इधर में अगर आते जाते तो मैं रोड का ऊपर ही बांध के रखता था, और इधर में ही रोड के पास में सो जाता था, ऐसे ही खेती का आमदारी है। तो मैं बोला है, मैं भी तो ऐसे देखा आपका। तो बाद में वो मेरे को हिसाब दिया जे मैं पहले थोड़ा दिन ऐसे ऐसे करके फुकट में करते रहा, मजूरी करते रहा, फिर बकरा पालते रहा। बाद में क्या है, जितना भी बकरा आया वो मैं उसके ऊपर से 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, मतलब उसके बकरा बेच के 1 रुपये भी इधर उधर नहीं किया है। मेरा जो फैमिली है वो मैं मजूरी करके चलाता था, और ये जो बकरा है इसका एक बकरा बेच के दूसरा बकरा खरीदने चालू कर दिया था, और ये पूरा के पूरा पैसा इकट्ठा करके रखा। तो मेरे को वो हिसाब दिया, देखो भैया एक अगर बकरा पालोगे, एक बकरा में 6 महीने में 2 बच्चा देते, ये तो या
बराबर बात है, एक बकरा ने दो एक से तीन बच्चा तक देते, कभी कभी चार भी देते, लेकिन अगर पाकरो दो बच्चा ही देते तो छह महीने में एक बकरा से कितना हो गया, तीन। और फिर अगर तीन में से एक अगर बकरी हुआ तो एक साल में कितना हो जाएगा, एक में से अगर तीन हो गया तो उसके अंदर मान लो जो एक बकरा हुआ और एक बकरी, तो दो बकरी हो गया, दो बकरा में और छह महीने का बाद और चार बच्चा देगा, तो एक बकरा ने एक साल घूमते घूमते ही उसका सात बकरा हो जाते हैं, आप हिसाब लगा सकते हो। तो पहले तो मेरे पास जमीन भी नहीं था, तो बाद में ये जो बकरा का थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके किसी के पास से गिरवे में एक जमीन ले लिया, उसके पास से जब मेरा सप्लाई होते गया तो ऐसा करके मैं जमीन भी ले लिया, अभी मकान भी बना लिया, और अभी जो देख रहे हैं आप लोगों का आशीर्वाद है, ऐसा करते गया तो बस हो गया। तो मैं उधर से घर आ गया, फिर मेरे को फिर भी विश्वास नहीं हो रहे थे, ऐसा कैसे हो सकते, जिसके पास कोई जमीन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ दो साल के अंदर जैसे बिल्डिंग बनाए, वो बिल्डिंग में ही लगभग 20-30 लाख रुपए का बिल्डिंग ही बन गया, और उसके पास अभी जो बकरा है लगभग 2-1 हजार बकरा है, तो अगर बेचेगा तो ऐसे ही कितना सारे पैसा है, तो लगभग करोड़ों रुपया से ऊपर चला गया, तो ऐसे क्या है, कैसे हो सकते। तो मैं उसका हिसाब लगाया फ्रेंड, और हिसाब में जो मिला मेरे को वो बहुत ही चक जाने वाला बात है, अब भी अगर सुनोगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा जे सिर्फ थोड़ा पैसा लगा के आप भी बकरा पाल के दो साल में करोड़पति बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल सम्राट यूट्यूब चैनल, मैं सम्राट विश्वास आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अगर मैं मान लू आप अगर सिर्फ 50,000 रुपया से चालू करोगे बकरा का बिजनेस, मतलब बकरा पालने का बिजनेस, तो एक साल में तो नहीं होगा, लेकिन दो साल में करोड़पति बनना आपको कोई नहीं रोक सकते। जैसे मान लीजिए मैं एक हिसाब लगाया घर के, जो अगर बकरा का बच्चा खरीदोगे 100 बच्चा से चालू करोगे तो 100 बच्चा खरीदने के लगभग अभी का टाइम पे 500 रुपए में एक बच्चा मिल जाते, तो आप जब बच्चा खरीदोगे तो देख के लाना, सिर्फ बकरी ही लाना, बकरा नहीं लाना, सिर्फ बकरी 100 ही बकरी लेके आना, इंजेक्शन देके हाइब्रिड बकरा भी बना सकते हैं। तो जो 100 बकरी खरीदोगे पूरा के पूरा बकरी होना चाहिए, बकरा एक भी नहीं होगा तो भी चलेगा, तो आप क्या होगा और भी ज्यादा फायदा होगा कि इंजेक्शन देके हाइब्रिड बकरा भी उससे बना सकते हैं। मान लो 100 आप बकरी ले लिया, 6 महीने का बाद कितने वो जो बकरी है कितना बच्चा देगा, 6 महीने के बाद आपका अगर 2-2 करके बच्चा भी दिया है तो 200 बच्चा है, और पहले 100 जोड़ दो कितना हुआ, 300 बच्चा हो गया। मान लो 300 बच्चे का अंदर फ्रेंड आपको 100 बकरा हुआ 100 बकरी हुआ, तो आपको पास कितना बकरी रहा है, 200 बकरी। तो एक साल के बाद में जब वो 200 बकरी आपको बच्चा देगा तो कितना होगा, पहले आपके पास 300 है, अब 200 में बच्चा दे रहा है मतलब 2-2 400, तो 300 और 400 कितना हुआ, 700 बकरी हो गया सिर्फ एक साल का अंदर, 100 में से 700 हो गया। फिर फ्रेंड जब डेढ़ साल में बच्चा देने का लायक होगा तो आपका पास बचेगा 500 बकरिया, जो बच्चा देने वाला जिसको गाय कहते, तो 500 बकरिया अगर बच्चा देगा 2-2 करके, ऐसे 2 से ज्यादा भी देते तो कभी कभी टाइम के कम भी देते, लेकिन एवर्स में 2 पकड़ सकते, तो 500 बकरिया में जब बच्चा देगा तो अब देगा 1000, मतलब डेढ़ साल में 1000 यही बच्चा आ गया, और आपका पास पहले कितना था, 1700 700, तो ये 1000 पहले 700, तो आपको पास हो गया कितना, 1700 बच्चा। जब 2 साल का टाइम पे फ्रेंड बच्चा देगा तो मान लीजिए आपका पास 700 ही बकरा आ गया, सिर्फ 1000 बकरी है, तो 1000 बकरी में से जब 2-2 करके बच्चा देगा तो कितना होगा, 2000, तो पहले से 1700, और अभी का टाइम पे जब 2 साल पूरा हो जाएगा तो 2000 बच्चा दे देगा, तो आपका पास कितना होगा, 3700 बकरा होगा। तो फ्रेंड 3700 बकरा में अभी का टाइम पे बाजार में कीमत कितना है, हिसाब जोड़ सकते हैं। मैं जो हिसाब लगाया है ए टू जेड 100% प्योर है, वो भी कम कम करके लगाया, तो अगर मैं हिसाब लगाऊ जे ये जो 3700 बकरिया है इसका कीमत कितना है, तो मैं हिसाब करके बताते हैं। तो फ्रेंड ये अगर हिसाब लगाओगे हर बकरा का 4000 रुपए करके हिसाब लगाओगे तो भी आपका जो बकरा है तो 3700 बकरा का कीमत आपको 1.5 करोड़ रुपया हो गया, वो भी मैं सिर्फ देसी का हिसाब लगाया फ्रेंड,
जो 4000 रुपया पर बकरा का मैंने हिसाब लगाया, लेकिन मैं जो बोल रहे थे जो आप इंजेक्शन देके हाइब्रिड भी बना सकते, तो एक हाइब्रिड बकरा का कीमत लगभग 10 से 12 हजार रुपया होते, वो भी हिसाब नहीं जोड़ा। अगर आप इंजेक्शन देके हाइब्रिड बनाओगे उसमें ज्यादा खर्चा तो नहीं आते, लेकिन हाइब्रिड बनाओगे तो बहुत ही आसानी से ये जो आंकड़ा आपका सामने रख दिया 1.5 करोड़ का, ये डबल होने वाला है। मतलब आप अगर सिर्फ इंजेक्शन यूज करोगे हाइब्रिड जात का, तो आपका बकरा 4000 रुपये में नहीं बिकेगा, बिकेगा 10 से 12 हजार रुपये में। तो हो गया ना, आपको विश्वास हुआ? जैसे सिर्फ 50 हजार रुपया आप खर्चा लगा के 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाने का, वो जो आदमी किया था फ्रेंड, वो तो इतना पढ़ा लिखा वाला आदमी भी नहीं है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है, इसलिए उसका थोड़ा बहुत टाइम लग गया। लेकिन आप अगर करोगे ऐसे हिसाब से, लेकिन एक बात फ्रेंड याद रखना, वो जो बकरा का पैसा है वो बेच के खा मत जाना। अब दूसरा थोड़ा देखभाल करने का जरूरत पड़ते तो आप भी, आपका पास भी थोड़ा बहुत जमीन है, थोड़ा बहुत पैसा अगर आप दिमाग लगा सकते अभी का टाइम पे, अभी का दौर में जैसे 20 हजार रुपये का नौकरी मिलना भी बहुत तकलीफ वाला बात हो गया, वहां पे आप 1 करोड़ रुपये कमा सकते आपका दिमाग लगेगा। तो जरूर ट्राई करना, और मैं जो हिसाब बताया ये जरा आप फिर से हिसाब लगा लेना, अगर गलत है तो जरूर कमेंट करना, अगर सही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। और ये जो वीडियो है इसके ऊपर आपका भी जो ओपिनियन है वो जरूर बताना, और आपके पास भी ऐसा कोई बिजनेस आइडिया है जो आदमी के पास पहुंचना चाहिए और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आदमी के लिए, तो जरूर मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों किसी को हेल्प करने मेरे को ऐसे बहुत अच्छा लगता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।